सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों को पता है कि फरवरी और मार्च में हम लोगों का कार्यक्रम जो था बेरोजगारी हटाओ यात्रा था, जो सबसे ज़्यादा बिहार में जो मुद्दा है वो बेरोजगारी को लेकर के है। और 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई भी गंभीरता, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो या पलायन हो, सरकार ने नहीं दिखाया। सबसे ज़्यादा अगर कोई बेरोजगारी जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है बिहार। आप कह सकते हैं कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लगभग 46% दर जो है वो बिहार का बेरोजगारी का है। अब लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में ये स्थिति जो है और भी भयावह हो गई है। और जब 46% बेरोजगारी दर हम बता रहे हैं देश में सबसे ज़्यादा अगर बिहार की है, तो अगर आप 18 से 35 के उम्र का अगर निकालें तो ये आंकड़ा जो है और इजाफा करता है और बढ़ता है। सबसे गरीब भी सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाई जाती है तो उस प्रदेश का नाम है बिहार, यानी 52% गरीबी दर जो है वो बिहार में है। 50% जो है बिहार में पलायन है, यानी सबसे ज़्यादा अगर पलायन होता है तो पलायन में भी बिहार जो है नंबर वन है। कोई रोजी रोटी के लिए हो, शिक्षा के लिए हो या स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर के अगर हो, तो यानी बिहार का हर दूसरा परिवार लगभग 50% जो दर है पलायन का वो हो चुका है। यानी बिहार का हर दूसरा परिवार शिक्षा हो, चिकित्सा हो या रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाता है। लेकिन कभी भी इन 15 सालों में डबल इंजन की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने कभी भी ना तो बेरोजगारी पे बात की, ना पलायन पे बात की, ना ही उन्होंने गरीबी मिटाने की बात की। हम पूछना चाहते हैं, जब इलेक्शन आता है तो बीपीएससी, चयन आयोग, परीक्षा आयोग जो इनके हैं, लगभग 5-6 साल लग जाते हैं प्रक्रिया पूरी करने में। 2014 का अनाउंस किया हुआ चुनाव में अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। यानी इतने लंबे साल तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है, उसमें भी धांधली होती है। अब मान लीजिए सिपाही भर्ती को लेकर के हो तो उसमें बड़ी पैमाने पर धांधली हुई। कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उसमें पेपर जो है वो लीक कर जाता है। करप्शन सारी संस्थाओं में घुस गया है। नीतीश कुमार जी ने क्या किया बिहार के लिए? ना तो वो गरीबी मिटा पाए, ना बेरोजगारी मिटा पाए, ना पलायन को रोक सके। उन्होंने केवल भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ाने का काम किया। और लगभग बिहार के दो पीढ़ियों को उन्होंने बेरोजगार रखा है, भूखे मारने का काम किया है। इन पे कभी भी नीतीश कुमार जी जो है चर्चा नहीं करना चाहते, ना कोई काम करना चाहते। जब चुनाव आएगा तो घोषणाएं बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति 15 साल में काम नहीं कर पाया वो 2 महीने में कैसे करके दिखाएगा? जिस व्यक्ति को बिहार की जनता ने 15 साल दिए तब भी वो गरीबी नहीं मिटा सकते, बेरोजगारी नहीं मिटा सकते, पलायन नहीं रोक सकते, तो वो 2 महीने में कैसे जो है सभी लोगों को रोजगार देगा?
अब नियोजन और वेतन वृद्धि का एक झुनझुनना है उनका। आप देखिएगा जितना भी अभी चुनाव आएगा, तो कल ही जैसे एससी एसटी भाइयों का अगर किसी का हत्या हो जाता है तो उस परिवार में नौकरी नीतीश कुमार जी देंगे, ये उन्होंने ऐलान किया है जब चुनाव आ रहे हैं तब। लेकिन वही नीतीश कुमार जी जब एससी और एसटी एक्ट, जो उनकी सुरक्षा करने के लिए एक्ट बनाई गई थी, जब उसको खत्म किया जा रहा था, तो नीतीश कुमार जी कहाँ थे? मेरा पहला प्रश्न है कि अगर एससी एसटी एक्ट में आपने समर्थन नहीं किया, आपने खत्म कराने का काम किया हो, तो भारत बंद हुआ, आंदोलन हुआ, सड़कों पे लोग हम लोग आए, तब जाकर के पुनः जो है उसको स्थापित किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपकी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि उन दलित भाइयों की हत्या ही ना हो। आप तो हत्या को, दलित भाइयों की हत्या को प्रमोशन देने का काम करें कि भैया जिसके घर में मर्डर होगा हम उसको जो है एक नौकरी जो है हम देने का काम करेंगे। तो क्या स्वर्ण जातियों में अगर हत्या होगी किसी स्वर्ण जाति का, तो उनके परिवार से नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? पिछड़े जाति में अगर हत्या होगी तो उनके जाति के पर उनके परिवार में के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? अति पिछड़े कि अगर हत्या होगी तो क्या उनके परिवार में से नौकरी नहीं मिलेगा? क्या आदिवासी भाई की हत्या होगी तो क्या उनके परिवार में नौकरी नीतीश कुमार जी नहीं देंगे? तो ये जो चुनावी जो इनका झुनझुना है, ये सबके सामने आ गया। इनका जो दोहरा चरित्र जो है वो सबके सामने आ चुका है, और इलेक्शन में तरह तरह का जो है प्रोपोगंडा मेन एजेंडा से बेरोजगारी से हटाने का ये पूरा जो है काम करेंगे। लेकिन वाकई में अगर आप देखें तो बिहार में जिसने भी ग्रेजुएशन किया है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो पढ़े लिखे डिग्री वाले लोग हैं, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नर्सेज हो, आज बेरोजगार है। विधानसभा में नौकरी निकलती है चपरासी का, ड्राइवर का, तो जो पीजी किया हुआ है, जो डॉक्टर का डिग्री लिया हुआ है, जो इंजीनियर है, वो रिक्रूटमेंट के लिए वो अप्लाई करता है जॉब के लिए, लेकिन वहां भी उसका जो है जॉब नहीं मिल पाता। लगभग 5.5 लाख आवेदन जो है विधानसभा में चपरासी और ड्राइवर के लिए गए थे, जिसमें कि अधिकांश लोग जो थे डॉक्टर का डिग्री, इंजीनियर का डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री लेकर के बैठे थे। आप लोग याद कीजिए, जब लॉकडाउन हुआ तो भारी संख्या में मजदूरों का आना हुआ, लगभग 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर आए। नीतीश कुमार जी ने बोला था, उनकी सरकार ने बोला था कि वो रोजगार देंगे, सभी लोगों को रोजगार देंगे, मैपिंग की जाएगी सब लोगों का, प्रतिभा जिसकी जो प्रतिभा होगी उसके अनुसार जो है उसको रोजगार दिया जाएगा। सरकार नहीं दे पाई। जब सरकार नहीं दे पाई तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बिहार सरकार को फटकार लगाई गई, जो आर्थिक तंगी से जो गरीब परिवार, जो मजदूर जो जूझ रहा है इस कोरोना महामारी में, जो घर लौटा है, जिसके घर लौटने को आपने मना कर दिया था और कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि उनको गुंडा क्रिमिनल आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन सभी लोगों को रोजगार की व्यवस्था आप सुनिश्चित कराइए। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए अभी, आप एयरपोर्ट चले जाइए अभी, या कहीं किसी पंचायत के बाहर आप देखिएगा कि हरियाणा रोडवेज का लग्जरी बसेज आ रही हैं, वो क्यों आ रही है? यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी नीतीश कुमार जी जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं करा पाए, पलायन जो है दोबारा शुरू हो गया। आप चले जाइए, हम तो 2 दिन के लिए दिल्ली गए थे, पूरा प्लेन में, इंडिगो प्लेन में जो है केवल मजदूरी थे, यानी बाहर की कंपनियां जो है एयर टिकट, एयर फेयर, सारा चीज जो है, बसेस भेजना, ट्रेन का टिकट कराना, अच्छा पैकेज देना, ले जा रहे हैं।
यानी नीतीश कुमार जी फिर से उन्होंने बिहार को झूठ बोला कि सबको रोजगार देंगे। अब जो कह रहे हैं ये चुनावी झुंझुना, तो ये पूरे तरीके से झूठ है। और साफ यही सवाल उठ के आता है कि जब आपने 15 साल में कुछ नहीं किया तो आप 2 महीने में कैसे कर सकते हैं। और हमारी पहली ऐसी पार्टी है जिसने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था, लेकिन महामारी के समय हम लोगों को इसको बंद करना पड़ा। तो आज मुझे खुशी है ये बताने में कि आज हम लोग जो है बेरोजगारी हटाने के लिए एक आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज एक वेब पोर्टल जो है, वेबसाइट जो है, लॉन्च करने आज जा रहे हैं, जो आप लोगों के सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इस वेबसाइट का नाम होगा www.bezrozgarihatao.co.in। मैं फिर से दोहरा दूं, www.bezrozgarihatao.co.in। और साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर भी होगा, वो नंबर उस समय भी हम लोगों ने जारी किया था, लेकिन इस महामारी के कारण जो है हम लोगों ने अपनी मुहिम को रोकने का काम किया। उस नंबर जो नंबर है 933-430-2020, 933-430-2020। इसमें सभी नौजवान जो हैं जाकर के पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और इस डेटाबेस को हम लोग एक मेगा ड्राइव में, हमारी सरकार आएगी तो मेगा ड्राइव में इसको हम लोग चालू करेंगे। लगभग लाखों रिक्त पद बिहार सरकार में खाली है, अलग अलग विभागों में, जिसका आंकड़ा लगभग 4.5 लाख है। यानी ऐसे पद खाली हैं लगभग 4.5 लाख, 4.5 लाख पद जो है वो बिहार सरकार में खाली है। स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस में, और आप देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1000 पद जो हैं वो रिक्त हैं। हमारी प्रायोरिटी है कि जो भी बिहार का नौजवान है उसको हम लोग बेरोजगारी हटाने के लिए, अगर हमारे को मौका मिलेगा तो हमारी सरकार जो है सभी लोगों को रोजगार की गारंटी दे, सुनिश्चित करें। सबसे पहले जो रिक्त पदे हैं वो भरे जाएंगे, जिसका आंकड़ा लगभग 4.5 लाख से भी ज़्यादा है। और हम लोगों की कोशिश होगी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में नियमित जो है वो बहाली की जाए, नियमित बहाली हो। आबादी के अनुपात में नए कर्मचारियों का वैकेंसी हम लोग निकालने का काम करेंगे। और जितना भी डेटाबेस जो भी कलेक्ट होगा, सब लोगों का प्रतिभा के अनुसार उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और जो है रोजगार जो है हम लोग उनको दिलाने का काम करेंगे। इसमें हमारी कई एक्सपर्टीज से बात चल रही है, कई ऐसे विद्वान जो हैं उनसे बातें हम कर रहे हैं, लगातार संपर्क में हैं, ताकि बिहार के सामने, बिहार के लोगों के सामने खास तौर पे जो सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी की और आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है, गरीबी है, इसको हम कैसे बिहार से दूर करेंगे। सही समय आने पे जल्द ही वो ब्लूप्रिंट जो है बिहार की जनता के सामने हम लोग रखने जा रहे हैं, बिहार की जनता के सामने हम लोग रखेंगे। हमारी प्रायोरिटी है रोजगार के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय लोगों को दें। और ये बड़ा, अगर आपको हम दिखाना चाहेंगे ये वेबसाइट, नहीं नहीं वही रहने दो, इसको पीछे कर दो। अगर आप देखिएगा तो इसमें आप जो है डिटेल, अपना नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल,
लिंग उम्र वर्ग का चयन कर सकते हैं, गांव जो भी ब्लॉक का डिटेल है, जिला है, राज्य जो है वो चयन कर सकते हैं। कई लोग जो होंगे बिहार से बाहर होंगे, पलायन होंगे, विदेशों में भी होंगे, तो अपना डिटेल जो है और जो सुझाव जो है वो भी भर सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप ये देखें तो यहाँ अपना बायोडाटा भी आप लोग जो है अपलोड कर सकते हैं। सभी लोगों के हिसाब से या हिंदी हो या इंग्लिश में है, इसमें आप इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों ऑप्शन इसमें रखे गए हैं वेबसाइट में। तो ये मुहिम जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं और हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पार्टी आज के दौर में युवाओं को लेकर के चिंतित है, गरीबी को लेकर के चिंतित है, पलायन को लेकर के चिंतित है या बेरोजगारी को लेकर के चिंतित है। ये मुहिम हम लोग शुरू कर रहे हैं और बड़े मजबूती के साथ हम लोग तो नीतीश जी से भी पूछना चाहेंगे कि आपने आखिर 15 साल में कितने रोजगार दिए। 15 साल ही छोड़ दो ना, अभी जो महामारी आई, जो मजदूर जो वापस आए, कितने लोगों का पंजीकरण हुआ, कितने लोगों को आपने रोजगार जो है सुनिश्चित कराया। और रेलवे स्टेशन में अगर आपने रोजगार दिया है तो बस स्टेशन पे कौन लोग हैं जो बिहार से बाहर जा रहे हैं, कौन लोग हैं रेलवे स्टेशन पे जो वापस जा रहे हैं, कौन लोग हैं जो एयरपोर्ट से जो बिहार छोड़ करके वापस जा रहे हैं। यानी आपके विकास पे आप बात नहीं करना चाहते, आप किस पे बात करना चाहते हैं, आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं। हम लोगों को गाली देना चाहते हैं, मुबारक हो आपको, लेकिन हम तो हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि अब जो है दलगत राजनीति जो है छोड़ करके बिहार के हित में युवाओं के लिए एक होकर के जात पात छोड़ करके, देखिए हम लोग नए लोग हैं, जात पात से ऊपर उठ करके हम लोगों को राजनीति करनी चाहिए। लेकिन आप जो है स्कीम लाते हैं कि भाई जो दलित परिवार में अगर हत्या होगी तो आप नौकरी दीजिएगा, तो मेरा सवाल बनता है पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक स्वर्ण उनके परिवार में हत्या होगा तो आप नहीं दीजिएगा। दूसरा सवाल, आपको तो ऐसा कानून बनाना चाहिए था कि उनकी हत्या हो ही ना, तो आप कौन सा कानून बना रहे हो प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए हत्या का, इससे क्या होगा। ऐसे भी एनसीआरबी का अगर आंकड़ा निकाले तो भारी जो है इजाफा हुई है। ये तो नीतीश कुमार जी के 15 साल का काम है। देश का जीडीपी जो है लगभग 23.8% जो है नेगेटिव में चला गया है, नेगेटिव में पहली बार जो है ये आंकड़ा जो है नेगेटिव में गई है। बिहार का आप कल्पना नहीं कर सकते, बिहार की जो आर्थिक स्थिति जो चरमराई है, व्यवसायिक जो मारे जा रहे हैं कोरोना काल में, जो मजदूर हो या जो भी लोग हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, गरीब लोग हो, सब लोग तबाह हुए, उसके लिए कोई नीतीश कुमार जी ने रोड मैप नहीं बनाया, ना बताया कि इस आर्थिक संकट से हम लोग कैसे उभारेंगे बिहार को। नीतीश जी इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, इस पर कभी नहीं बोलेंगे, अच्छा घोषणा करेंगे, नए नया शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। भारत सरकार ये तो उस फॉर्मूले के हिसाब से नेगेटिव में है 23.8%, नए वाले फॉर्मूले के हिसाब से इन्होंने जो फॉर्मूला जो चेंज किया, जिससे फिर भी दिखाया जा सकता है कि जीडीपी अच्छी हो, पुराने वाले से किया जाएगा तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और बिहार जैसे राज्य की तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। एक भारत सरकार की एक चिट्ठी है आप लोगों के सामने हम बताना चाहेंगे। ये 4 सितंबर 2020 की चिट्ठी है, वित्त विभाग की चिट्ठी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की चिट्ठी है, आप सब लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, मोदी जी आएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, लोगों को तो 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, वो रोजगार तो नहीं दे पाए,
बल्कि बहुत लोगों के रोजगार जो है उन्होंने छीनने का काम किया। बिहार के लोगों को भी मदद नहीं की गई, मजदूर जो भी पलायन किए थे उनको वापस लाने की भी कोई सहयोग नहीं किया गया। एक चिट्ठी निकाला गया है भारत सरकार द्वारा, क्रिएशन ऑफ पोस्ट, इसमें जो है आइटम नंबर 2 है, 2 का ए पॉइंट हम पढ़ देते हैं और बी पॉइंट पढ़ देते हैं। देयर विल बी अ बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, मतलब साफ तौर पे नया पद नहीं दिया जाएगा, उस पर बैन लगा दो, यानी रोजगार खत्म हो गया आपका, अब आपको नए रोजगार के अवसर भारत सरकार में नहीं मिलेंगे। साफ तौर पे लिखा है देयर विल बी अ बैन ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स अटैच्ड ऑफिसेस। जितने भी बॉडीज हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, आपका सबऑर्डिनेट बॉड ऑफिसेस हैं, ये सब जगह के लिए। दूसरा अगर हम पॉइंट पढ़ें, दिस बैन विल कवर एल क्रिएशन ऑफ पोस्ट अंडर पावर्स विच हैव बीन डेलीगेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ सच अथॉरिटी ऑफ पावर। तो ये सारी चीज़ें, ये भारत सरकार की चिट्ठी है जो 4 सितंबर 2020 का है। मिनिस्ट्री फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा वाला जो डिपार्टमेंट है उसको ये भेजा गया है। और डॉक्टर टी वी सोमनाथन जो सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर के हैं, जो फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी है, उन्होंने ये चिट्ठी निकाली है। यानी साफ तौर पे आपको जो है रोजगार के लिए कोई अवसर पैदा नहीं किए जाएंगे। हमारे छात्र चाहे एसएससी को लेकर के हो, कई ऐसे एग्जामिनेशन हैं, परीक्षा हैं, लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अद्भुत है ये बिहार। और जब एग्जामिनेशन के लिए बोलते हैं भाई कब आएगा हमारा मौका, कब मिलेगा, रिजल्ट कब आएगा, क्यों नहीं अब तक निकला, तो नीतीश कुमार जी डंडे बरसवाने का काम करते हैं। तो ये बड़ा दुखद है। इसका कितना बार भी आप इसका खंडन कीजिए, नीतीश कुमार जी के सोई हुई आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा बेरोजगारी हटाने की बात की है, क्या यह सिर्फ चुनावी जुमला है या इस पर काम करेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि बिहार में जो भी नौकरियां हो रही है वो ठेके पर हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी देंगे लोगों को या फिर? हम तो बोल रहे हैं ना स्थायी नौकरी हम लोग देंगे। और नौकरी देना कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए। अब बताओ 4.5 लाख जो है वो रिक्त पद हैं, क्यों नहीं भरी जा सकती हैं? एग्जामिनेशन टाइम पे क्यों नहीं किए जा सकते हैं? रिजल्ट समय पे क्यों नहीं निकाला जा सकता है? कोई बड़ा काम तो नहीं? आप जो है बिहार में, हम तो कई बार कहते रहे यहाँ सेज क्यों नहीं लग सकता, SEZ क्यों नहीं लग सकता? आपका पूरी तरीके से बैंगलोर लोग जाते हैं, कॉर्पोरेट्स कंपनियों में काम करते हैं, आप यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा सकते? आप IT पार्क यहाँ क्यों नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं। टूरिज्म का इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ आप रोजगार दे सकते हैं। बिहार की आर्थिक स्थिति जो है, इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सकती है, व्यवसायिकों को फायदा होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप क्यों नहीं खोल सकते हैं? बिहार में मछली कम है क्या जो आपको बाहर से लेना पड़ रहा है? आप कंज्यूमर स्टेट बन करके रह गए। ठीक है लैंडलॉक स्टेट है, आप इंडस्ट्री नहीं ला सकते, मुश्किल है कहना, लेकिन अगर विल पावर हो तो आप ला सकते हैं। लेकिन जिस राज्य में इतना करप्शन है, इतना क्राइम है, हर 4 घंटे बाद जो है बिहार में एक रेप होता है,
हर 4 घंटे पे बिहार में एक रेप होता है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित है। ये वही राज है। कभी हम लोगों के दौर में तो ऐसा नहीं आता था जहाँ क्रिमिनल ही जो है रेप करके वीडियो बना करके अपने ही फेसबुक या सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हो। ये दौर तो अब हम लोगों ने देख लिया। तो साफ बात है, बेरोजगारी हटानी है तो नीतीश कुमार जी को हटाना होगा। देखिए, पहली बात तो हम बेरोजगारी पे रखना चाहते थे, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो उस पर हम जवाब दे दें। बीजेपी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पास एक चेहरा तक नहीं बिहार में मुख्यमंत्री होने का। हम लोगों को कहते हैं कि हम लोगों का जनाधार खत्म हो गया, लेकिन फिर भी क्या मजबूरी है कि उनको जेडीयू के साथ रहना पड़ रहा है पिछलग्गू बन करके, और एलजेपी के साथ भी रहना पड़ रहा है। अगर हमारा जनाधार खत्म हो गया है राष्ट्रीय जनता दल का, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके नेता कह रहे हैं कि वो खुद अकेले सरकार में आ सकते हैं, तो भाई हम तो सलाह देंगे, कोशिश कर लीजिए अकेले लड़के। देखिए, इस पे हमको कुछ नहीं कहना है। एक सवाल है, इस पे कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा अभी। बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, लॉकडाउन में बेरोजगारी को और भी बढ़ावा मिला है, और बेरोजगारी के का इतना ज्यादा बढ़ावा मिला है कि अभी लोग कुछ पैसा जमा करके अपने अपने घर लौट रहे हैं। जो अपने अपने घर लौट रहे बेरोजगारी में, तो बस माफिया उत्पन्न हो रही है, जन्म दे रही है। 1,000 की टिकट 1,500 10,000 15,000 में दे रही है। जो बात आप कह रहे हैं वो बात तो हम भी कह रहे हैं, यही बात तो हम भी कह रहे हैं। नहीं, बहुत जल्दी इस पे बड़ी तेजी से काम चल रही है, और काफ़ी एक्सपर्ट्स जो हैं इस विषय में, इकॉनमी को लेकर के, रोज़गार क्रिएट करने में, इन सारी चीज़ों पे जो है हमारी चर्चा चल रही है। और जल्दी ही वो ब्लूप्रिंट हम सामने रखेंगे, और एक जो सबसे बड़ी जो हमारा जो काम चल रहा है वो आर्थिक न्याय को लेकर के चल रहा है। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया था 90 में। अगर बिहार की जनता हमको मौका देगी तो हम लोग आर्थिक न्याय करेंगे। आर्थिक न्याय योजना अभी थोड़े कुछ दिनों